ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में ओपनर शिखर धवन फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। इस वजह से उनका बल्लेबाजी करना संदिग्ध लग रहा था। धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें एक्सरे के लिए ले जाया गया था। इससे पहले वे दूसरे मैच में भी चोटिल हो गए थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई पारी के 5वें ओवर में धवन कवर्स क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान एरन फिंच का शॉट रोकने के लिए उन्होंने छलांग लगाई, जिससे उनका बाया कंधा चोटिल हो गया था। बीसीसीआई ने धवन की चोट पर अपडेट जारी करते हुए कहा है कि उन्हें एक्सरे के लिए ले जाया गया है। जहां तक उनके बल्लेबाजी करने की बात है तो बीसीसीआई ने कहा है कि एक्सरे करवाकर लौटने के बाद उनका निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें मैदान में उतरने दिया जाएगा। गौर हो कि इस 34 साल के भारतीय ओपनर को दूसरे एक दिवसीय वनडे में बल्लेबाजी के दौरान भी चोट लगी थी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स की बाउंसर पसली पर लगने के बाद धवन फील्डिंग करने मैदान में नहीं उतरे थे। हालांकि उस मैच में भारत ने 36 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी। और कल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में निर्णायक मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।